मैं प्रवीण कदम पुलिस उपनिरीक्षक आप सभी का मुंबई ट्रैफिक पुलिस और एन टीवी की ओर से इस रास्ता सुरक्षा सप्ताह 2023 के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं माननीय पुलिस सहायुक्त वाहतुक श्री प्रवीण कुमार पडवल सर और माननीय अपर पुलिस आयुक्त श्री निसार तांबोली सर का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं पुलिस उपायुक्त श्री गौरव सिंह सर को अनुरोध करता हूं कि माननीय पुलिस सहायुक्त पडवल सर और माननीय अपर पुलिस आयुक्त श्री निसार तांबोली सर का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। अब मैं माननीय पुलिस सहायुक्त श्री प्रवीण कुमार पडवल सर को इस रास्ता सुरक्षा सप्ताह 2023 के अवसर पर कुछ शब्द कहे ऐसा उनको अनुरोध करता हूं। दिनांक 11 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक रोड सेफ्टी वीक होर्डिंग्स के अलावा अब आप ANDTV रोड सेफ्टी .z5.com वेबसाइट पर जाकर अंगूरी भाभी के सड़क सुरक्षा नियमों पर वीडियो अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। कृपया वीडियो चलाएं। हमारी भाभियों को कि हमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और बताएं। और एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान चली जाती है तो उसमें 2021 के मुकाबले 2022 में मुंबई में 30% की कमी आई है कंपेयर टू 2022। नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स इज 30% लेस। सर, मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हूँ। आज थोड़े से फिल्मी लोग आए हैं तो हम रोड सेफ्टी की बात थोड़ा फिल्मी उसमें करेंगे। एक मीम्स या ऐसा जो बहुत वायरल होता है कि जब महिलाएं गाड़ियां चलाती हैं तो उनको कहा जाता है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या महिलाएं जब गाड़ी चलाती हैं आप लोगों का अनुभव कैसा रहता है? हमारे लिए जो भी वाहन चलाने वाले हैं वो ड्राइवर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी ने जो यातायात के नियम है उसका पालन करना जरूरी है। ग्यारह जनवरी से शुरू हुआ है और 17 जनवरी तक चलेगा, लेकिन हम लोग रोड सेफ्टी वीक सिर्फ इस वीक को ही नहीं मानते, पूरा साल थ्रू आउट द ईयर एवरी डे इज रोड सेफ्टी डे फॉर अस। उसके लिए हम लोग डिटेल रिपोर्ट लेके आएंगे तो उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी।
2021 में 376 रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हुई थी और 2022 में 257 हुई है, और जिसमें 2021 में 376 रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में 387 लोगों की जान गई है, और 2022 में 257 रोड एक्सीडेंट की घटना में 268 लोगों की जान गई है। लेकिन कंपेयर टू 2021 2022 में 30% की कमी है। कविक सर नमस्कार, नीलेश शुक्ला जी मीडिया से हैं। सर जिस प्रकार आपने आंकड़े साझा किए कि जो एक्सीडेंट के नंबर हैं वो कम हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो नेशन वाइड का डेटा सामने आया उसमें जानकारी मिली है कि एक्सीडेंट्स भरे कम हुए हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट्स में होने वाली जो मौतें हैं उनके आंकड़े में इजाफा आया है, और इसके पीछे मुख्यतः जो कारण है वो ये बताया गया कि लोगों की लापरवाही है, यानी कि सीट बेल्ट ना लगाना या हेलमेट ना पहनना। मुंबई ट्रैफिक पुलिस हो या इन जनरल ट्रैफिक पुलिस हमारे देश की हो, लगातार कई सारे अभियान कर रही है, लेकिन ये अभियान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या लोग शायद उसे उतना वेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इसके लिए और कुछ क्या नई स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी है, या लोगों को और कैसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं? मुंबई में ना कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन जिसमें फेडरल एक्सीडेंट है जिनकी जान चली है उसमें भी 30% की कमी हुई है। और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम तक पहुँच पाए, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम हमें मददगार हो साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल, इसमें इसके द्वारा रोज हम लोग एक या दो ट्वीट करते हैं कि जो जिसकी वजह से ट्रैफिक सेफ्टी का या रोड सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़ जाता है, या उसके बारे में हम लोग मैसेज लोगों को दे देते हैं। और भी अलग अलग कैंपेन हम लोग थ्रू आउट द ईयर चलाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर कैंपेन के साथ साथ कई सारे जो नियम हैं वो हाल फिलहाल में लागू हुए थे, जैसे अभी रिसेंटली कैंपेन चालू किया गया था, कैंपेन के नियम लागू किया गया था कि गाड़ी में सवार जितने भी लोग हैं सभी यात्रियों को कंपलसरी सीट बेल्ट है, लेकिन जो यात्री हैं या जो मुंबई कर हैं विशेषकर वो इसको सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे हैं, उसे लेकर और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? मुंबई में सभी लोगों को मालूम है कि जो फ्रंट सीट के पैसेंजर्स हैं उनको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और बाइक चलाने वाले भी जो फ्रंट सीट का राइडर है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन जो रियर सीट के पैसेंजर्स हैं पीछे बैठे जो पैसेंजर्स हैं और पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स उनको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है। एक कानून में उसमें प्रावधान किया अमेंडमेंट की गई है कि जिसके द्वारा ये कंपलसरी किया गया है, और आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ घटना है जो जिसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन दो कुछ जाने वाले लोग हैं जिसमें से सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से किसी की जान चली गई है और सीट बेल्ट पहनने की वजह से किसी की जान बच गई है। ऑब्वियसली इनके जो दर्शक है सीरियल के एन टी वी के जितने भी दर्शक है उन तक ये बात पहुंचेगी रोड सेफ्टी के, उसके जो नियम है रोड सेफ्टी के उसकी बात पहुंच जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों उन तक, और उससे लोगों के लिए फायदा ही साबित होगा। तो क्या अगर ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो आप चाहोगे कि हर साल ऐसे नए नए आर्टिस्ट को शामिल करके आप ये इम्पैक्ट और बढ़ाना चाहोगे? हम लोग के विचार है कि कुछ और भी आर्टिस्ट है जिनको लेकर हम लोग रोड सेफ्टी के अवेयरनेस के कैंपेन चलाएंगे, और जब वो हम लोग तैयार करेंगे उसके बाद में आपको बताया दिया जाएगा। मेरा नाम आकाश है, भारत से। मेरा प्रश्न
सर ये है कि रोड सेफ्टी कैंपेन जो शुरू हुआ है अभी, तो इसके बाद ऑफेंडर्स पर देखिए एक्शन कितना बड़ा है आम दिनों के मुकाबले, अगर आप आंकड़े रोड सेफ्टी के वीक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस पर स्टेज दे रहे हैं, और ये ख़त्म होने के बाद में मतलब कल से हम लोग एनफोर्समेंट पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, और हमेशा पिछले साल के मुकाबले एनफोर्समेंट के जो आंकड़े हमेशा ज़्यादा रहते हैं और एक्शन ज़्यादा होती रहती है। मैम मेरा आपसे सवाल होगा, आप दोनों से होगा, क्योंकि आप एक पारिवारिक शो कर रही हैं और अक्सर जब हम एक अवेयरनेस की बात करते हैं, कैंपेन्स की बात करते हैं, तो कई बार होता है कि जो मैसेज है वो साफ तौर पर पहुंच नहीं पाता। अब क्योंकि आपको हर कोई घर घर देखता है, तो आपको लगता है क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जो संदेश है वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा, क्योंकि एक साथ घर में बैठ के शायद आपको कई सारे जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, जब एंटरटेनमेंट के साथ कोई सीख या कोई बात कही जाती है तो लोग जल्दी उसको रिसीव करते हैं। थैंक यू। तो ये देखा गया है जनरली कि जब एंटरटेनमेंट के साथ कोई सीख या हेलो या थैंक यू सो मच, तो ऐसा देखा गया है कि जब एंटरटेनमेंट के साथ किसी बात को हम कहते हैं तो लोग ज़्यादा उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंपेन्स में हम जब भी कुछ ऐसे जागरूकता अभियान होते हैं अमित जी को देखते हैं तो सभी सुनते हैं, हम और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। कभी कृषि से रिलेटेड, जैसे आज हम यहाँ पर सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए बोले, तो अगर मैं बोलूँगी, जैसे कई बार बोलते हैं कि भाभी जी हम साड़ियों के वो करते हैं, एड्स करते हैं या दूसरी ज्वेलरीज के या हर चीज़ के, तो लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो लोग उस बात को सुनते हैं। हम कई सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है कि वो बराबर ध्यान देते हैं कि अगर हम अगर मैं सीट बेल्ट पहनी हूँ नहीं पहनी हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एंटरटेनमेंट के रूप में कोई बात कही जाती है वो जल्दी लोग उस चीज़ को रिसीव करते हैं, और पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर बच्चों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो 17-18 साल के टीनेजर्स पहले ही गाड़ी चलाने लग जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो घर में भी ये जब पूरी फैमिली बैठ के देखेगी आई थिंक तब इस बात पर चर्चा होगी और छोटे बच्चों को भी एक सही मैसेज पहुँचेगा टीनेजर्स को खासकर। क्या भाभी जी घर पे हैं, तो और भाइयों को भी आप बोलना चाहेंगे, और भाइयों को बोलना चाहेंगे और यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, तो आप तो भाभी जी घर पे, भाभी जी बाहर निकलती उनके लिए क्या बोलना? हम तो सबको अम्मा जी भैया जी भाभी जी दीदी सबको बोलने वाले हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं बहुत बहुत ध्यान रखें, सारे नियमों का पालन करें, ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक छोटी सी गलती बहुत खतरनाक हो सकती है हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। तो जितना कोशिश हो सकेगी जरूर हम सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए असली मुद्दा है लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो हमारे माध्यम से पहुंचे, चाहे इनके माध्यम से पहुंचे, चाहे किसी और एक्टर या किसी भी और माध्यम से पहुंचे, टीवी के माध्यम से पहुंचे, सिनेमा के माध्यम से पहुंचे, असली मुद्दा है लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना कि ये सारे नियम कानून फॉलो करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इट डजंट मैटर कि कौन पहुंचा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो चाहे किसी और, चाहे ये हमारे जो हीरोज हैं यहाँ पे बैठे हुए ये लोग पहुंचाते हैं, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन शायद घर घर तक नहीं पहुँच पाता है, तो हम लोग वो जरिया है, हम लोग वो माध्यम है जिसके जरिए पहुँचेगा घर घर तक। और बीइंग एन एक्टर ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि लोग हमारे सुनते हैं, लोग हमें देखते ज़्यादा हैं, शायद इन लोगों को, ये लोग सड़कों पे रहते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग अपना टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचते हैं और हमें लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स या किसी भी चीज़ों को करते हैं, लोग देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, लोग आइडल मानते हैं या इंस्पायर होते हैं, तो असली हीरोज ये लोग हैं, लेकिन लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों तक सही मैसेज पहुँचाएँ। मैं पुनश्च सबका आभार प्रदर्शन करता हूं, और मैं अभी सब मीडिया को
अंगूरी भाभी और अनीता भाभी के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू कर सकते हैं। आप सभी इंटरव्यू उनके साथ में कर सकते हैं। दादा पक्का हाल होगा। थोड़ी लाइट गया दादा कर। या पुढे या तुम्ही मॅडम तुम्ही पुढे या पुढे या दॅट्स इट। एक सेकंड में कैमरा दिख रहा है। साथ ही आज इतने सारे सभी ट्रैफिक पुलिस दिख रहे हैं, सभी यही सोच में होंगे कि आज वाकई यहाँ चल गया ना। साथ ही भाभी जी भी यहाँ पे है, प्लीज आप बताइए आज का विषय है क्या। तो आज भाभी जी ट्रैफिक पुलिस के जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इस अभियान का हिस्सा बने हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के। लेकिन वही जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ये सिर्फ सप्ताह की बात नहीं है, ये पूरे साल की बात है। और एन टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया और आप लोगों ने वीडियोस भी देखे कि हेलमेट पहनने के लिए या ओवर स्पीडिंग के लिए या ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जो कई बार हम थोड़ी मस्ती में थोड़ी लापरवाही में लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है खुद के लिए भी, जो कि खुद को तो अफेक्ट करता ही है लेकिन आपके परिवार को, आपके बच्चे, योर वाइफ, योर मदर, योर फादर्स, जो सब घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही जो हर जगह होर्डिंग्स पे भी लगा रहता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो अवेयरनेस जो है वो भाभी जी अपने अंदाज में समझा रही हैं लोगों को और आज हम इसीलिए यहाँ हैं और वीडियोज़ के माध्यम से भी और आज आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अवेयर रहिए, हर वक्त ध्यान रखिए। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं, बहुत ही छोटी छोटी जो नियम हैं जो बहुत ही आसान हैं लेकिन जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, तो उनको प्लीज़ 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 फॉलो करें। जब आप दोनों को पता चला कि आप इसका हिस्सा बनने वाली हैं, क्या कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे थे? देखिए कुछ करेंगे या ये कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? जनरली जो हम लोग इवेंट्स में जाते हैं वो ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग बहुत सारे रहते हैं, नाच गाना होता है। ये ऐसा इवेंट है जिसमें सोशल अवेयरनेस है, जिसमें एक कॉज के लिए है और किसी कॉज के लिए आप जब हिस्सा बनते हो जिससे लोगों का फ़ायदा होता है तो उसमें एक अलग खुशी होती है। तो जब ये पता चला कि ये सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह में मतलब हम लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं NTV के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोगों के काम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जनरली रोड पे अगर हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को, कहीं ना कहीं एक डर सा लग जाता है कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन आज इतने सारे ट्रैफिक पुलिस हमारे आसपास थे और उनके साथ में बैठ के हम ये इवेंट कर रहे हैं और आज बिल्कुल डर नहीं लगा।
तो अच्छा लगा इस इवेंट का, इस मुहिम का हिस्सा बन के। शुभांगी जी, क्या लगता है अभी जिस तरीके से ट्रैफिक के इतने सारे सभी को मिलते, सभी के घर आते थे इतने सारे रिसिप्स की, अभी आपको इतने पे करने, इतने पे करने, क्या ये एडवर्टाइजमेंट के बाद बस सभी कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोग हम लोग जैसे कई बार ही ऐसा होता है, आपका ड्राइवर भी लाइक मेरा ड्राइवर भी ऑरेंज हो रहा है और ऑरेंज में निकाल दिया, बट मैं हम हमेशा सी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम घर में बात करेंगे इसके बारे में या जब लोग हमारे एपिसोड्स के साथ हंसते खिलखिलाते हुए एक नई बात को भी सुनेंगे तो शायद उनके घर में चर्चा होगी और इस बात का और ज़्यादा लोग ध्यान रखेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे लगता है कि यस, जो घरों में जो रिसिप्ट पहुंच रही हैं आजकल, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं, सबका इंस्पेक्शन, वो बोलते हैं ना कि सबका टाइम बराबर चल सॉरी बट गवर्नमेंट के उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी थोड़े पैसे मिलने में, क्योंकि एक्चुअली रिसिप्ट्स कम आएंगे, अब बंद तो नहीं होंगे लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हम तो एक ही बात बोलेंगे, जितने भी सड़क सुरक्षा नियम हैं उन सब का पालन कीजिए। कहा है कि भाभी जी घर पर हैं और आपकी पड़ोसन भी घर पर है जो आपका इंतजार कर रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, कई बार आप जैसे, मैं कई बार एयरपोर्ट से लौट रही होती तो मैंने रात को बहुत सारे मतलब लड़कों को हम देखते हैं, बाइकर्स को जो बहुत स्पीड में एकदम फ्लाईओवर्स पे और आपके आसपास से निकलते, तब उनको देखकर बहुत डर लगता है, तो आई होप एंड विश कि वो समझेंगे इस बात को। और बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ये ज़रूरी है, और प्लीज़ प्लीज़ इन नियमों का पालन करें जो आपके जीवन के लिए और आपके अपनों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। भाभी जी, मैं अभी तो खैर ये आज हम यहाँ पर रोड सेफ्टी की बात करने आए हैं, तो यस इसके ऊपर भी एक एपिसोड बनना चाहिए, डेफिनेटली हम बनाएंगे। और अभी थोड़े दिन पहले इनफैक्ट एक सीन गया था जिसमें विभूति घुमा अंगूरी के साथ जा रहे और हैंडल छोड़कर और गाना गा रहे, और मैं उनको डांटती हूँ कि ऐसे स्कैंडल ना ही छोड़िए हैंडल, तो वो ना ही छोड़िए, ना ही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं। आप लोग वहाँ पे तुम अपना इंटरेक्शन शुरू कर दो। रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत रास्ता सुरक्षा की जन जागृति करने के लिए आज का प्रोग्राम लिया गया है, और इस प्रोग्राम में NTV ने हमारे साथ में आकर इनका जो पॉपुलर शो है भाभी जी घर पर है, इसके इनके आर्टिस्ट हैं, इनके द्वारा कुछ मैसेजेस बनाए हैं और उस मैसेजेस को आज लॉन्च किया गया है। इनका ये जो सीरियल है, इनके दर्शक है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हम लोग पहुंच पाए इसके लिए हम लोग ने इनको साथ लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक अगर ये देख पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी, और इससे अगर लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं तो पूरे शहर के लिए अच्छी बात है। उम्मीद है कि कम होगी, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा काम करते रहेंगे, और लोगों का काम है कि जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करना, वो उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि ना कि वो उनके खुद के लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूरी है, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। ट्विटर में हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के मैसेज तो
पोस्ट करते ही है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी कंप्लेंट्स आती है उन कंप्लेंट्स का 10 से 15 मिनट में हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके बारे में हमारे जो ट्रैफिक के रोड पर ऑफिसर्स उन कॉन्स्टेबल्स है उनको तुरंत मैसेज दिया जाता है और उस जगह पर पहुंचकर जो भी ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम लोग रोड सेफ्टी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और भी कैंपेन चलाएंगे और भी कुछ आर्टिस्ट को साथ लेकर कैंपेन चलाएंगे और कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जो ट्रैफिक का वायलेशन का रूल्स का वायलेशन करने वाले उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई शुरू रहेगी। सभी के लिए हमारा मैसेज यही है कि ट्रैफिक यातायात तो उनके नियमों का पालन करें जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे।